नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कृष्णा, गंगा, गोदावरी या फिर यमुना, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उसे भी ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्णा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हैदराबाद है मूसी नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे बसा है, मूसी नदी किनारे बसा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आंसर करिए। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बादामी चालुक वंश की स्थापना किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बादामी चालुक वंश की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुलकेशिन प्रथम ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बादामी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, पुलकेशिन प्रथम करेक्ट आंसर होगा। बादामी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। मौनालोहा नामक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है, मौनालोहा नामक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। मौनालोहा नामक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मौनालोहा नामक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका में, तो बी इसका राइट आंसर है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। मौर्य शासक अशोक की राजधानी का नाम क्या था, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है अशोक की राजधानी का नाम क्या था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाटलिपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अशोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था, तो बी का राइट आंसर है। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम पटना हो गया है और ये वर्तमान में बिहार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। गंगा नदी किनारे बसा है पटना, यह भी पूछा जाता है, पटना किस नदी किनारे बसा है, गंगा नदी किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। विक्रमादित्य की उपाधि इनमें से किस शासक ने धारण की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। आपको बताना है विक्रमादित्य की इनमें से किस शासक ने धारण की थी, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। किस प्रसिद्ध भारतीय को गुरुदेव के नाम, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, इनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर को, लाला लाजपत राय को, श्री राजगोपालाचारी को या फिर नानावती, जिनमें से कोई नहीं।
आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आपको बताना है गुरुदेव के नाम से किस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। यस ऑप्शन नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। अब आप लोग बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था, सभी जैसे आंसर करिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुत अच्छे, आपको बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था। गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया 1913 में। कब मिला था, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में। इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कानपुर में। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है कानपुर, करेक्ट आंसर होगा। कानपुर उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे बसा है कानपुर, और कानपुर को भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, चमड़े के उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए, पोरस और सिकंदर की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी। यस, ग्रीन पार्क स्टेडियम भी कानपुर में है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए, आपको बताना है पोरस और सिकंदर की लड़ाई किस नदी किनारे हुई थी। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइड्रा स्पीड का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। अगर मध्य हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, किस नदी किनारे ये लड़ाई हुई थी, झेलम नदी के किनारे। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, झेलम नदी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए, क्वांटिदम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। सभी इसका आंसर करिएगा, क्वांटिदम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्स प्लैंक, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा, क्वांटम सिद्धांत को मैक्स प्लैंक ने प्रतिपादित किया था, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर टेन के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर टेन के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा, ऐरावतेश्वर मंदिर कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद आंसर करिए, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन परीक्षा में खेल से संबंधित पूछा जाएगा, हर सेप्ट में यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आगा कप किस खेल से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉकी से। किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है, अकबर, हुमायूं, जहांदार शाह या फिर शाहजहां, इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांदार शाह। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर है। हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, 7 नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, तारीख प्रोत्साहित किसकी रचना है, लेखक कौन है इसके। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा, तारीख के प्रोत्साहित के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे,
गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जियाउद्दीन बरनी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने हमें क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा इसका, जियाउद्दीन बरनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या फिर 9/3। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 से कम। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए क्षारीय विलयन का मान कितना होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 उदासीन होता है। जल का जो पीएच मान है 7 होता है, पूछा जाता है परीक्षा में जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15, अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? सभी जल्दी से बताइए, अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, अयोध्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, आप लोग याद रखिएगा। अभी आपको बताना है किस नदी किनारे स्थित है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरयू नदी किनारे। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, सॉल्ट रेंज किस देश में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस मुस्कान, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, आपको बताना है सॉल्ट रेंज किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर भूटान? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाकिस्तान। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज है, तो बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, दमेक स्तूप भारत में कहां पर है? सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, आपको बताना है दमेक स्तूप भारत में कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भागलपुर बिहार, गंगटोक सिक्किम, सारनाथ उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सारनाथ उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? आपको बताना है जो मनसबदारी प्रणाली है किसने शुरू की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर ने। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, अकबर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, आपको बताना है भारत की पहली महिला डीजीपी कौन है, उनका नाम बताइएगा। क्या बताना है आपको? भारत की पहली महिला डीजीपी का नाम। अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है, तो किरण बेदी है, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है भारत की पहली महिला डीजीपी, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंचन चौधरी। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए होगा, कंचन चौधरी भारत की पहली महिला डीजीपी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये किस राज्य की डीजीपी बनी थी, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड की। कहाँ की डीजीपी बनी थी? उत्तराखंड की डीजीपी बनी थी कंचन चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बताइए कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजीराव द्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा परीक्षा में, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, ये पूछा जाता है, तो 1818 में, 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, आपको बताना है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहां पर होता है, सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा?
बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उड़ीसा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा भारत में बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है उड़ीसा, करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। किस मौर्य शासक को यूनानियों का अमित्र घात कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंदुसार को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बिंदुसार को यूनानियों का मित्र घात कहा जाता है, बीस का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बिंदुसार, करेक्ट आंसर होगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तिब्बत में सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तिब्बत में सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर सिंधु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तिब्बत में सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, भारत में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। सांगपो को भारत में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। बहुत अच्छे, यस, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है भारत में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्वनि से, प्रकाश के प्रकीर्णन से, ऊष्मा से या फिर ऊर्जा से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन से। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आपको बताना है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओणम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, केरल में फसल की कटाई पर ओणम मनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है ओणम, करेक्ट आंसर होगा इसका। 26 के लिए आंसर करिए, आपको बताना है जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, आपको बताना है भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी, करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिएगा, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, सभी जल्दी से बताइए कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 155। क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 155। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका, अनुच्छेद 155 करेक्ट आंसर होगा। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सब इसका आंसर करिएगा, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग के लिए हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंद्र के लिए। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग इंद्र के लिए हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाता है कौन सा है, तो
ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 फरवरी को। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, बी इसका राइट आंसर है। 2 फरवरी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, वो अलग क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है? सभी जल्दी से बताइए, पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दांतों से संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, दांतों से संबंधित है पायरिया रोग, तो बी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, आपको बताना है निजता का अधिकार किसके अधीन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद निजता के अधिकार से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, अनुच्छेद 21। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 21 इसी के अंतर्गत आता है निष्ठा का अधिकार, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ये एक फंडामेंटल राइट है, पूछा जाएगा कैसा अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसमें अभी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियम को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहते हैं, बी इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, रेडियम करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, प्लास्टिक क्या है? सभी जल्दी से बताइए, प्लास्टिक क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए प्लास्टिक क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पॉलीमर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्लास्टिक पॉलीमर है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए, नेपाली भाषा मुख्य रूप से इनमें से किस राज्य में बोली जाती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, कर्नाटक, सिक्किम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनमें से किस राज्य में मुख्यतः नेपाली भाषा बोली जाती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सिक्किम में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है, तो बी इसका राइट आंसर है, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एनी बेसेंट। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए एनी बेसेंट, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है भारत में? भारत में किस राज्य को पांच नदियों की भूमि कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पंजाब को भारत में पांच नदियों की भूमि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। 37 के लिए आंसर करिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 37 का
ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, आपको बताना है निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया इसमें, कौन मिश्र धातु नहीं है, तो डी का राइट आंसर होगा पानी, सॉरी चांदी। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, चांदी करेक्ट आंसर है इसका, सिल्वर। सिल्वर मिश्र धातु नहीं है। अब सभी जल्दी से बताइए सिल्वर का लैटिन नेम क्या होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए चांदी का लैटिन नेम क्या होता है, सभी जल्दी से आंसर करिए, लैटिन नेम बताना है, क्या बताना है, लैटिन नेम। एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैटिन नेम बताना आपको। यस अर्जेंटम, क्या होता है अर्जेंटम, आप लोग याद रखिएगा चांदी का जो लैटिन नेम है अर्जेंटम होता है, इसीलिए चांदी को एसी एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि चांदी का जो लैटिन नेम है अर्जेंटम होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के, आपको बताना है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, लेखक आपको बताने हैं आईने अकबरी के, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अबुल फजल ने। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, अबुल फजल करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बहुत अच्छे, आपको बताना है पंथी नृत्य शैली किस राज से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पंथी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर केरल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्तीसगढ़ से। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पंथी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, आपको बताना है सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, सभी जल्दी से बताइए सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन डी की कमी से। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्या पूछा गया है, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, जो विटामिन डी है सूर्य की रोशनी से हमारी शरीर में बनती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर 42 के लिए, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, आंसर करिएगा रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर बोल्ट, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43, आपको बताना है उस देश का नाम जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए उस देश का नाम कौन सा है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलंबिया, फिर यूएसए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्राजील। यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, बीस का राइट आंसर होगा, ब्राजील करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था, ये बताना आपको, तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। या तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था, बीस का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है,
सभी जल्दी से बताइए, मानचित्र बनाने की विज्ञान को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्टोग्राफी। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मानचित्र बनाने की विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। 46 के लिए आंसर करिएगा, सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉबर्ट हुक ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सबसे पहले कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था, बी इसका राइट आंसर है। 46 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 47 के लिए आंसर करिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेधा पाटकर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। 48 के लिए आंसर करिए, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, क्या पूछा गया आपसे? जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका के किस भाग में, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी भाग में, उत्तरी अफ्रीका में। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। अब पूछा जाएगा अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में है, तब याद रखिएगा उत्तरी भाग में है, उत्तरी अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या होता है माचिस की तीलिया में, सल्फर मैग्नीशियम पोटेशियम या फिर रेड फॉस्फोरस, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर नंबर डी होगा, रेड फॉस्फोरस। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा, माचिस की तीलिया में रेड फॉस्फोरस होता है, तो डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, बताइए जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। 51 के लिए आंसर करिएगा, चमोली किस राज्य में है, इसका राइट आंसर क्या होगा? चमोली किस राज्य में है, करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। यस, बीस का राइट आंसर है, चमोली उत्तराखंड में है, बीस का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 क्वेश्चन होंगे टोटल आज की क्लास में। ये क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सोने का लैटिन नेम बताइए क्या होता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओरियम। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ओरम सोने का लैटिन नेम है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। इसीलिए सोने को एयू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पूछा जाएगा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एयू से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों गुड, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आपसे क्या पूछा गया है? बाल्य संबंधित क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊतक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, ऊतक कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 8 सितंबर करेक्ट आंसर है। 55 के लिए आंसर करिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, जहांगीर आर्ट गैलरी कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। सभी का आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, क्या पूछा गया है? जहांगीर हार्ट गैलरी कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, जहांगीर हार्ट गैलरी मुंबई में है, तो बी का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए, सभी जल्दी से आंसर करिए, सुखना लेक कहां पर है? बहुत अच्छे, क्या पूछा गया है? सुखना लेक कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, राजस्थान, चंडीगढ़, फिर नई दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंडीगढ़। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सुखना लेक चंडीगढ़ में, सी का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा, 57 के लिए आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आपको बताना है, राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए, आपको बताना है राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साउथ अफ्रीका। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आपको बताना है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्जैलिक एसिड का। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 59 जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आपको बताना है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सभी जल्दी से आंसर करिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु अधातु पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अधातु पूछा गया है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रोमीन। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, आपसे पूछा गया है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। बहुत अच्छे, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 10 बजे क्लास होती है, सभी लोग डेली 10 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में, कल होगी आपकी रीजनिंग की क्लास। चलिए पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।